गुजर समाज की एक कोर कमेटी का गठन, उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर में आदरणीय हरचंद जी हांकला, हरि सिंह जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व जिला न्यायाधीश किशन जी गुजर और हमारे सम्मानित समाज के वरिष्ठ संरक्षक के निर्देश में कल कोर कमेटी का गठन किया और ये डिसीजन लिया गया कि पूर्व तीन दिन पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण की विधायक आदरणीय अनिता जी भदेल द्वारा जो उपायुक्त नगर निगम भरत जी गुजर पर सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस तरीके से अशोभनीय तरीके से उन्होंने उनको कहा कि चोर उचक्का है, उसको पकड़ के लाओ, मैं पीटूंगी, जनता भी पीटेगी, ठीक है वो दोषी है, उनको सजा दीजिए, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसियां हैं, जांच कराइए, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी को, आपका उपराष्ट्रपति जिसको सम्मानित करता है देवमाली गांव, जो वर्ल्ड हेरिटेज उन्होंने जो है उनको घोषित किया, उनको पारितोषित दे करके सम्मानित किया है, एक तरफ तो आपके उपराष्ट्रपति जी सम्मानित कर रहे हैं। मैं पार्टी से भी ये आग्रह करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, माननीय देवनानी जी से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक तरफ तो आपकी भारतीय जनता पार्टी RSS एक रीति नीति विनम्रता सादगी का परिचायक है, एक तरफ आप पाठ पढ़ाते हैं शालीनता का और एक तरफ आपकी मुख्यमंत्री इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी को खुले रूप से चेतावनी दे रही है। हम भारत का नाम लेते हमको मान्य था, पर आप एक विशेष रूप से जाति विशेष को टारगेट करके भरत गुजर को बुलाओ, उसको बुलाओ, पकड़ के पीटूंगी, ये कहां तक न्यायोचित है। मैं मीडिया के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं माननीय विधायक को कि अभिमान मत पालिए मैडम, अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था, रावण भी प्रखाट पंडित था, महाकाल का भक्त था, तो वो तो बहुत प्रखंड पंडित था, उनका भी अभिमान चकनाचूर हो गया। आप और हम तो एक सामान्य जनता है, अगर आप इस तरीके से अभिमान पाल करके बैठेगी, आप अगर इसका ज्वलंत उदाहरण देखना चाहती है तो पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुए, जिनकी तूती बोलती थी पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री रघु शर्मा से जाकर के पूछिए। गुजर समाज किसी का बकाया नहीं रखता है, वो सूद सहित लौटाता है। आज जो पुतला फूका है, अभी हम पार्टी से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रदेशाध्यक्ष के नाम कि यदि गुजर समाज की भावना की कद्र नहीं करेंगे तो आने वाले समय में 13 तारीख को उपचुनाव है, कोर कमेटी बना दी गई है, 50,000 पैम्पलेट गुजर समाज के जो है, कल कोर कमेटी बनी, उन्होंने पैम्पलेट छपवाए हैं और एक अपील की गई है कि अनिता भदेल विधायक जो है वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेती है, समाज से माफी नहीं मांगती है, तो इसका परिणाम उपचुनाव में देखने को मिलेगा और हो सकता है, ज्यादा समय नहीं है, एक साल तो निकल गया अनिता जी भदेल का, तो उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान से कल हमारी गुजर समाज की एक कोर कमेटी का गठन, उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर में आदरणीय हरचंद जी हांकला, हरि सिंह जी, हमारे वरिष्ठ पूर्व जिला न्यायाधीश किशन जी गुजर और हमारे सम्मानित समाज के वरिष्ठ संरक्षक के निर्देश में कल कोर कमेटी का गठन किया और ये डिसीजन लिया गया कि पूर्व तीन दिन पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण की विधायक आदरणीय अनिता जी भदेल द्वारा जो उपायुक्त नगर निगम भरत जी गुजर पर सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस तरीके से अशोभनीय तरीके से उन्होंने उनको कहा कि चोर उचक्का है, उसको पकड़ के लाओ, मैं पीटूंगी, जनता भी पीटेगी, ठीक है वो दोषी है, उनको सजा दीजिए, आपकी सरकार है, आपकी एजेंसियां हैं, जांच कराइए, हम उनका पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक रूप से एक प्रशासनिक अधिकारी को, आपका उपराष्ट्रपति जिसको सम्मानित करता है देवमाली गांव, जो वर्ल्ड हेरिटेज उन्होंने जो है उनको घोषित किया, उनको पारितोषित देकर के सम्मानित किया है, एक तरफ तो आपके उपराष्ट्रपति जी सम्मानित कर रहे हैं। मैं पार्टी से भी ये आग्रह करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, माननीय देवनानी जी से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक तरफ तो आपकी भारतीय जनता पार्टी RSS एक रीति नीति विनम्रता सादगी का परिचायक है, एक तरफ आप पाठ पढ़ाते हैं शालीनता का और एक तरफ आपकी मुख्यमंत्री इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी को खुले रूप से चेतावनी दे रही है। हम भारत का नाम लेते हमको मान्य था, पर आप एक विशेष रूप से जाति विशेष को टारगेट करके भरत गुजर को बुलाओ, उसको बुलाओ, पकड़ के पीटूंगी, ये कहां तक न्यायोचित है।
मैं मीडिया के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूँ माननीय विधायक को कि अभिमान मत पालिए मैडम। अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा था, रावण भी प्रखाट पंडित था, महाकाल का भक्त था, तो वो तो बहुत प्रखंड पंडित था, उनका भी अभिमान चकनाचूर हो गया। आप और हम तो एक सामान्य जनता है, अगर आप इस तरीके से अभिमान पाल करके बैठेगी, आप अगर इसका ज्वलंत उदाहरण देखना चाहती है तो पूर्व में जो विधानसभा चुनाव हुए जिनकी तूती बोलती थी, पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री रघु शर्मा से जाकर के पूछिए। गुजर समाज किसी का बकाया नहीं रखता है, वो दूध सहित लौटाता है। आगे कैसे क्या रहेगा, आज आपके आज जो पुतला फूका है, अभी हम पार्टी से ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रदेशाध्यक्ष के नाम कि यदि गुजर समाज की भावना की कद्र नहीं करेंगे तो आने वाले समय में 13 तारीख को उपचुनाव है, कोर कमेटी बना दी गई है, 50,000 पैम्पलेट गुजर समाज के जो है, कल कोर कमेटी बनी, उन्होंने पैम्पलेट छपवाए और एक अपील की गई है कि अनिता बदेल विधायक जो है वो अपने शब्दों को वापस नहीं लेती है, समाज से माफी नहीं मांगती है, तो इसका परिणाम उपचुनाव में देखने को मिलेगा और हो सकता है, ज्यादा समय नहीं है, 1 साल तो निकल गया अनिता जी बदेल का, तो उनको भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। भगवान सिंह गुर्जर।